दोस्तों कैसे हो आप लोग। और आज हमारा लोकोमोटिव WAG 7 लोकोमोटिव वो जो कि खींचने वाला है ये वाली ट्रेन को। हाँ जी, नॉस्टैल्जिक वाली ट्रेन है भाई हमारे पास में, और नई नई ब्रांड न्यू रैक आई है। आप लोग देख सकते हो ऐसे ब्लू कोचिस। हाँ जी, अब ब्लू कोचिस इन कोचिस को रिप्लेस करने वाले हैं जो कि आपके मैरून कलर के दिखते हैं। और मैं सबसे पहले लोकोमोटिव का BL की ऑन कर लेता हूँ, और ये मैंने की ऑन कर दिया, और यहाँ से मैंने पेंटोग्राफ को ऊपर कर दिया, और हमारा पेंटोग्राफ धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। क्या बात है। देखो दोस्तों, पेंटोग्राफ जो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, इंजन ऑन हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये इंजन कम्प्लीटली पावर अप होके चलने के लिए तैयार होगा। यह लोकोमोटिव आज इस ट्रेन को खींचने वाला है भाई, तो मज़ा आने वाला है दोस्तों। अंत तक देखते रहिए। और मैं आपको बता दूँ कि ये लोकोमोटिव जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं रेलवे मैप के अंदर इसका मैप सेट कर लेता हूँ ताकि ये लोकोमोटिव अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। ओके, ये करेक्टली हो चुका है, तो हम इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे भाई। लोकोमोटिव आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई लोकोमोटिव धीरे धीरे करके आगे जा रहा है, तब तक के लिए हम आपको नए नए जो ब्रांड न्यू कोचेज है वो बताते भाई। तो ये FLG के ही है, अगर आप कोई कन्फ्यूज मत हो जाना। तो ये ब्रांड न्यू लोकोमोटिव सॉरी ब्रांड न्यू कोचेज है ICF ब्लू के, जो कि इन कोचेस को रिप्लेस करने वाले। हाँ भाई, इनका भी टाइम हो चुका है, पुराने कोचेस हो चुके काफ़ी ज़्यादा। दिख भले ही सुंदर रहे हो, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यार कोचेस पुराने हो चुके हैं। तो अब इनको रिप्लेस करे जाएंगे ये वाले कोचेस के साथ में, जो कि ये स्लीपर क्लास के, और इनके अंदर एयर ब्रेक से ये वैक्यूम ब्रेक वाले कोचेज़ है। ठीक है, काफ़ी पुराने कोचेज़ है, और मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा यार इसको, बहुत ज़्यादा बार देखा होगा इसको चलते हुए, है ना। तो दोस्तों मैं आपको इसके अलावा यहाँ पे बता दूँ कि ये यहाँ पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस भी रुकी हुई है, मतलब कि पार्क्ड है। राजधानी एक्सप्रेस की कोचेज़ है ये भाई, आप लोग देख लो यार, पुरानी ICF वाली राजधानी है ना, कमाल की बात। तो दोस्तों मैं एक बार मैप में देख लेता हूँ, हमारा लोकोमोटिव मुख्य लाइन तक पहुँच चुका है, और अब मैं वहाँ से इसको ब्रेक लगाने वाला हूँ। दोस्तों इस रूट के अंदर एक खासियत है, ये रूट के अंदर आपको दोनों ही प्रकार की ट्रेन देखने को मिलती है, मतलब कि ब्रॉड गेज एवं मीटर गेज। ये है दोस्तों हमारे मीटर गेज के ट्रैक्स, और यहाँ पे हमारी एक मीटर गेज की ट्रेन आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली हम शायद इस ट्रेन के साथ में रेसिंग भी करेंगे। और हम लोग देखिए दोस्तों मेन लाइन पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग लोकोमोटिव को करेंगे पीछे। मैं हॉर्न बजा देता हूँ, एक बार रेलवे मैप को चेक करेंगे, और मैंने ट्रैक को चेंज कर दिया है। जैसे कि आपने देखा ब्लू लाइन जो है वो हमारी ट्रेन की तरफ हो चुकी है। अब स्लोली हमको इसको पीछे लेना होगा ताकि हम उस ट्रेन के साथ में इसको कपल कर सके। तो लोकोमोटिव WAG 7 है, रोड नंबर है 24503। मज़ा आएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। आप है IDMG गेमिंग के ऊपर, मैं हूँ आपका होस्ट ब्रिजेन चौहान। चलिए मैं कुछ देर तक बोलता नहीं हूँ ताकि आप लोग इसको इन्जॉय कर पाए। वैसे ना दोस्तों, मैं पुरानी चीज़ों का थोड़ा फ़ैन हूँ, मुझे नॉस्टैल्जिक चीज़ें अच्छी लगती है। तो ये जो कोचेज़ है ना, मैंने आज तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ट्रैवल करा है इस कलर के कोचेज़ के अंदर। अब हम लोग स्टेशन पे पहुंचने वाले, तो मुझे ब्रेक अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि 33 का स्पीड है, कंट्रोल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ब्रेक रिलीज़ कर रहा हूं दोबारा, 10% पावर के साथ पे हम लोग धीरे धीरे करके पीछे बढ़ेंगे। ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग कोचेस को अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पे ये ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है। क्या बात है, मतलब यार ज़बरदस्त यार, ब्लू कोचेस नए नए हैं, जैसे आजकल वो LHB और वंदे भारत देखते हो ना यार, ये ब्लू कोचेस उस वक्त के वंदे भारत जैसे ही कुछ अलग ही चीज़ थी। खैर उस वक्त भी लोग बोलते होंगे यार ब्लू कोचेस नहीं पसंद, उनको भी ये वाले मरून वाले कोचेस शायद पसंद होंगे, ऐसा कुछ होगा उस वक्त के रेल फैंस के लिए। खैर हमारे लिए तो भाई ब्लू वाला ही एक इमोशन है। तो दोस्तों कपल करने वाले हैं लोकोमोटिव को, तो मैं थोड़ा ब्रेक को रिलीज़ कर रहा हूँ, और ये हमारे कोचेस जो है कपल होने वाले हैं। सक्सेसफुली कपल हो चुके हैं दोस्तों, और मैंने दोनों ब्रेक्स लगा दिए, दोनों ब्रेक्स को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। रिलीज़ करने के बाद में हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो वैक्यूम है वो पाइपों के अंदर फील हो जाए, उसके बाद में ही ये ट्रेन की जो ब्रेक है वो रिलीज़ होगी।
क्योंकि पुराने कोचिस है दोस्तों, और इसके अंदर जो साउंड्स है ना दोस्तों ये लगी हुई है एयर रेल सिम की, और ये जो कोचिस का रीप्रिंट हमको दिया है वो भी एयर रेल सिम का ही है। तो अगर आपको पसंद आया है तो एक नॉस्टैल्जिक सीरीज़ का सिनेरियो है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो एस सी आर रूट के ऊपर, उसके साथ एक कोचिस की जो स्कीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कितना बढ़िया लग रहा है आप लोगों को ये देख के, काफ़ी सुंदर लग रहा होगा क्योंकि हाई क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कोचिस की। और यहाँ पे हम लोग लास्ट कोच पर आ चुके हैं, ये है हमारे गार्ड साहब का कोच, और इसी के साथ अगर आप जनरल में ट्रैवल करते तो ये सेकंड क्लास की कोचेस हैं यहाँ पे, और इसके बाद स्लीपर क्लास के कोचेस स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस भी सामने रखी हुई, क्या बात है, मतलब पुराने ज़माने की पूरी याद आ गई। यहाँ पर ना कोई EMD नहीं है, कोई P7 नहीं है, कोई G9 नहीं है, यहाँ पे सारे लोकोमोटिव्स पुराने पुराने हैं। P4 मैक्सिमम शायद P5 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे P5 रुका हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर ऐसी बात है कि सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 7:07 हो चुके हैं, यहाँ से हमारा रवाना होने का टाइम हो चुका है दोस्तों। इस ट्रेन की जो साउंड्स है वो भी एयर रेल सिम नहीं प्रोवाइड करे, सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल साउंड्स गाइस। airrailsim.com डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। डू इंजॉय यार टिल द एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वे नॉस्टैल्जिक सीरीज़ के ये कोचिज है गाइस, ब्राउन वाले। अब आजकल तो इन्हें कतई देखना नहीं मिलता, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको ICF भी देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आजकल एल्कोस नहीं देखने को मिलते। चलिए दोस्तों ट्रेन पे अब सवार हो जाते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं इस राइड का। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आप देख रहे हैं IDMG, और IndianTrainSim.com को चेक करना ना भूलें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट ऑफर के साथ में दिवाली के ऑफर आने वाली है, काफ़ी बढ़िया वाले एडन आपको लेटेस्ट वर्जन के मिल जाएंगे, वंदे भारत, LHB, डबल डेकर इत्यादि। और जो भी हमारे प्रोडक्ट आप एक बार खरीदोगे उसके बाद आपको मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास LHB कोचेस है तो आप रेड जो LHB कोचेस स्लीपर क्लास के सारे कवर करे जाएंगे। अगर आपके पास डबल डेकर है तो सारे चेयर कार्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास में तेजस है तो आपको हम सफ़र और दुरंतो एक्सप्रेस की लीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी के साथ में अपडेट में दी जाएगी। इसी के साथ साथ एडिशनली रेड ऑटोमेटिक डोर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो IndianTrainSim.com को चेक करना ना भूले, WAV5 लोकोमोटिव भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस समय हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड AC कोच के अंदर, जिसका इंटीरियर शायद आप लोगों ने देखा ना हो, बट ये पहले इस प्रकार के आया करते थे। काफ़ी सुंदर इसके इंटीरियर है, और आप देख सकते हो लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ प्रोवाइड करा हुआ, जो काफ़ी ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस है जो आपको देखने को मिलेगा। और इसके हमारे साइड में चल रही है मीटर की इसकी ट्रेन, तो होपफुली शायद हमको ओवरटेक करने को भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 80 km/h का ही है। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं थर्ड AC कोच के अंदर, थर्ड AC के दरवाजों पे हम लोग रुके हुए हैं। हमको इससे ज़्यादा तेज़ जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो मीटर गेज का ट्रेन था वो हमारे आगे चलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होने वाली, जो आज तक आपने शायद देखी ना हो रेलवे के अंदर, तो भाई बने रहो एंड तक
और जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि इसी ट्रेन के आगे वो वाली ट्रेन चलने वाली है, मतलब कि पैरेलल सेम ट्रैक पे ट्रेन आगे पीछे चलने वाली है। हाँ जी, मीटर गेज का ट्रेन, ब्रॉड गेज के ट्रेन दोनों एक ही हो जाएंगे। तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है इस फ्री रूट के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये रूट डाउनलोड करना है ना तो आपको ये ट्रैक लेने पड़ेंगे। ये ट्रैक ले लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस ट्रैक के साथ में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने माइंड करके रखी हुई है ताकि आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके बढ़िया वाला। और इस रूट के हम लोग अपडेट प्रोवाइड करते हैं, फ्री है तो ये नहीं है कि कतई छोड़ दिया है। इसका एक्सपीरियंस आपको बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसके पीछे भी। और यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे लोकोमोटिव्स है कुछ, और यहाँ पे रख रखाव केंद्र लग रहा है मुझे कोई, ठीक है हाँ ऐसे कुछ लग रहा है, मतलब मेंटेनेंस यार्ड टाइप कुछ लग रहा है मेरे को यहाँ पे। और अब हम लोग रफ्तार को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेन फिर नहीं तो हमसे आगे हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा यार, क्योंकि यार यहाँ पे 80 का स्पीड लिमिट है, मैंने थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग कर दिया है। ठीक है, देखते क्या होता है आगे। और दोस्तों, हम लोग मीटर गेज की ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं बहुत जल्द, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग स्क्वायर विंडो वाले कोचेस हैं मीटर गेज में भी, एसी वाले, ये आई थिंक एसी स्लीपर क्लास कहा जाता है, टू टीयर के कोचेस होते हैं ये। तो भाई हम लोग पैरेलल रेसिंग देख रहे हैं, ब्रॉड गेज वर्सेस मीटर गेज। यार इसकी नहीं फोटो तो बनती है भाई, चलो एक बाहर से एक व्यू लिया जाए, क्या कहते हो आप लोग, क्या बात है। तो भाई यार एक सिनेमैटिक व्यू के अंदर दो दो ट्रेन हमको देखने को मिल रही है यार, दोनों सेम कलर की ऑलमोस्ट। यार मैं तो भाई यहाँ ट्रैक पे ऐसे खड़े होके लेना चाहूँगा, ट्रैक से थोड़ा सा दूर छट के। सेफ्टी भाई इम्पोर्टेंट है, रेल फैन ने तो ये मतलब नहीं कि कुछ भी करो, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। अगर नहीं पसंद आ रही तो भी कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं पसंद आ रही, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की उसको। और देख सकते हो यार ट्रेन पैरेलल चल रही है अभी भी, और हम लोग थोड़ा सा ये पहाड़ों के इस तरफ आ गए, पता नहीं क्या रीज़न है पटरियाँ इधर से बिछाने का, सीधी भी बिछा ही सकते थे ना, बट क्या पता यार, मेरे को नहीं पता यार, अपन को बस गाड़ी चलाने को बोला अपन गाड़ी चलाते भाई, ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कोचेस कितने सुंदर लग रहे हैं यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो एयरएल सिम पे ये आपको रिफंड्स मिल जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप नॉस्टैल्जिक सीरीज की इसको परचेस करते हैं तो। और ये रूट तो कतई निःशुल्क है, indiantrainsim.com पे अवेलेबल है, बस ये पटरियाँ चाहिए होगी दोस्तों आपको, है ना। और ये पटरियाँ भी वर्थ है, ऐसा नहीं है, और डिस्काउंट ऑफर में आपको 100-150 रुपये की मिल जाएगी भाई। हम लोग आई थिंक सेम स्पीड पे ही चल रहे हैं, सामने वाली जो ट्रेन है वो भी ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे ही चल रही है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा हमारे ट्रेन में उस ट्रेन के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों हमको एक ब्लू ट्रेन के साथ में क्रॉसिंग होने को मतलब हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा स्टेशन भाई, ये मिसलेनियस इंडस्ट्री स्टेशन है, विविध उद्योग मतलब मिसलेनियस मतलब बहुत सारे इसमें वो रहते हैं। तो भैया बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, और अगर आपको पैरेलल रन इसके अंदर देखने को मिल रहा है मीटर गेज वर्सेस ब्रॉड गेज, आपको आई थिंक इसी रूट के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं एक बार मैप चेक करना चाहूँगा कि हमारा मैप करेक्ट है, तो रेलवे मैप में हमारी सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है। और क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त यार, क्या बात है यार, सुपर एलिवेटेड कर्व्स है यहाँ पे, अगर आप देखें तो जो ट्रेन है हमारी एक तरफ झुक के चलेगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेन एक तरफ झुकी हुई है, और यहाँ पे हमारी मीटर गेज की ट्रेन थोड़ी सी आई थिंक तेज़ हो रही है, क्या बड़े तेज़ हो रहे बेटा।
क्या बात है। जो ब्रॉडगेज की कर्व्स है वो काफ़ी बड़े हैं, स्मूथ है, इसके कारण जो ट्रेन है बड़े आराम से कर्व कर पा रही है। और वहीं अगर आप मीटर गेज के ट्रैक्स देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो ना तो मीटर गेज के जो एंड्स है वो बंद करे हुए, तो मतलब कि मीटर गेज के ट्रैक्स यहाँ पे भी थे पहले। इस तरीके का यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं यूजर्स के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। और उससे हम लोग स्टेशन पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं और ये वाली ट्रेन हमसे आगे जाने वाली है और हमारी ट्रेन उसके पीछे जाएगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का कामकाज रहेगा हमारा। और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, थोड़ी सी पीछे चल रही है किसी से, हमारी ट्रेन थोड़ी ज़्यादा लंबी भारी भरकम है, हालांकि वो इंजन के हिसाब से वो ट्रेन भी बहुत ज़्यादा भारी है। मैं ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूँ, लोको ब्रेक्स को मैंने अप्लाई कर दिया, तो एक बार मैं लोको ब्रेक लोकोमोटिव के अंदर ही आ जाता हूँ और यहाँ से ये नीचे कर लेते हैं हम लोग। सारे ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ मैं। भाई रुक जा यार, भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा। सारे ब्रेक्स मैंने अप्लाई कर दिया, होपफुली हम लोग रुक जाएंगे। ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कामकाज। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो सफ़र है ना हमारा, उस आगे पीछे हो जाएगा, मतलब कि ये ट्रेन हमारे आगे चलेगी, हम लोग उसके पीछे चलने वाले हैं, ठीक है। और दोनों जो ट्रेन है ना, आप देख लो, मैं पटरी दिखा देता हूँ आपको। पहली जो मीटर गेज की पटरी है, छोटी सी पटरी है, और ये बड़ी वाली पटरी, ये दोनों एक हो जाएगी। फिलहाल तो ये ट्रेन यहाँ से ये अंडरग्राउंड जो ये वायडक बना हुआ है वहाँ से जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसके ट्रेन के पीछे चलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सिंस वो हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको मिलती है। ये पुराना ज़माना है भाई, नॉस्टैल्जिक ज़माना है। पहले के ज़माने में ऐसे ना इंपॉर्टेंट ट्रेन जो होती थी उनको पहले निकाला था, तो उस वक्त की ये मीटर गेज की ट्रेन है जो इंपॉर्टेंट है। हमारी ट्रेन उसके बाद आई है, तो हमें जो है बाद में चांस दिया जाएगा। तो लोकोमोटिव हमारा तैयार है आगे ट्रेन को हॉल करने के लिए, और मैं ट्रैक्स वगैरह सेट कर देता हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है अभी तक ये सिनेरियो? मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है भाई। अगर आपको भी पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दो यार, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको ये क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इनकी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हो एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, 45 rupees ओनली फॉर द नॉस्टैल्जिक सीरीज, वेर यू विल गेट दिस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन arealsim.com। ये रूट भी फ्री है, 100-150 rupees के अंदर आपको ये ट्रैक्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो इसको और अपने रियल वर्क्स का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल इन्जॉय कर सकते हो। तो जब तक के लिए ये ट्रेन रवाना हो रही है तब तक हम इसको कैप्चर करेंगे, सिनेमैटिक कैप्चरिंग इस ट्रेन की भी होगी यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल अभी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है इस ट्रैक के ऊपर, ब्रॉडगेज वाले पे, तो मैं सेफली यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और क्या बात है, पुराने वाले स्क्वायर विंडो वाले एसी स्लीपर क्लास कोचेस जो कि पुराने हैं। अरे गूंगे भी है क्या ये? पुराने तो क्या हो गए, गूंगे थे क्या ये? चलो कोई नहीं यार, ये तो ऐसे झूमते हुए आवाज करते हुए जा रहे हैं सारे। जैसे ये ट्रेन मुख्य लाइन पर आएगी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस लोकोमोटिव का रखरखाव केंद्र है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पर आप एक बार पहले ट्रेन को देखिए यहाँ से नीचे जाते हुए, है ना जबरदस्त, है ना कुछ अलग सा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस रूट पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। रूट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे लोकोमोटिव जो है मेंटेनेंस होती है, हालांकि यहाँ पे कोई लोकोमोटिव नहीं है, सारे ड्यूटी पे लगे हुए अभी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेन जो है यहाँ से निकल गई यार। वैसे ना इसके अंदर से डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकती थी, लेकिन कुछ कारणों से इसको नीचे से निकाला गया और ये ऊपर से जा रही है। तो जैसे कि वो आप देख सकते हैं, ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है, और यहाँ से अब हम हमारी ट्रेन को भी एक बार विसल बजा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार विसल बजा दी जाए, ब्रेक को मैं रिलीज़ कर देता हूँ। ब्रेक रिलीजिंग का काम हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल्स के अंदर ब्रेक का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अभी देखो यार, ये वैक्यूम ब्रेक है तो थोड़ा धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है। ओके दोस्तों, ब्रेक रिलीज़ हो चुका है और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं रेलवे मैप के अंदर आगे का ट्रैक सेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे काम मैन्युअली होते हैं। ये वो ज़माने की ट्रेन है जिस ज़माने में सब कुछ मैन्युअल हुआ करता था। थोड़ा सा लाइट्स को कंट्रोल करा जाए ताकि आप लोगों को ट्रेन अच्छे से दिखाई दे। तो लाइट को जो है मैंने कंट्रोल कर लिया है।
स्कूटी और एसी कोचेस काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। और थ्री टीयर कोचेस वाइड विंडो वाले, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यार ये सब। और इस पर आप देख सकते हो यार ओएचई पोल की जो परछाई है क्या ज़बरदस्त लग रही है यार, है ना। तो यहाँ से आगे की जो गार्ड सेक्शन की चढ़ाई है वो स्टार्ट होने वाली, तो हम लोग स्पीड को जो है नियंत्रित रखेंगे 60-70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब हमारी ट्रेन जो है आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न करने वाली है, लेकिन मैं सबसे पहले ट्रैक को सेट कर लेता हूँ। अगर वहाँ पे ट्रैक सेट हो गई है तो बहुत ही बढ़िया है। जब तक कि ट्रेन दूसरे सिग्नल को क्रॉस नहीं करती तब तक हमारे जो सिग्नल्स है वो ग्रीन नहीं होंगे। वैसे डीजल लोकोमोटिव के साथ में आपको कैसा मजा आता है, मतलब डीजल लोकोमोटिव आपको पसंद है या आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पसंद है। पहले वैसे ना इसमें स्टीम लोकोमोटिव होता ना तो क्या ही मज़ा आता, डब्ल्यूपी लोकोमोटिव होता तो मज़े मज़े होते। खैर कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूपी लोकोमोटिव ही ज़रूर से लाया जाएगा रिलॉक्स के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों के दोनों सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुके हैं, हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। और जैसे कि मैंने बताया था कि भाई आगे जाके ना दोनों ट्रैक सेम हो जाएंगे, ड्यूअल गेज के हो जाएंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आगे मेन लाइन से हमारी ट्रेन जब मर्ज होती है तब मैं दिखाता हूँ कि दोनों ट्रैक को कैसे मर्ज करा जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे पहले ट्रैक्स कैसे थे और अभी ट्रैक कैसे हैं। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने चेंजेस भी करे हुए, तो जो पुराने ट्रैक्स है वो अभी भी है वहाँ पर। काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, एंड तक बने रही है, थोड़ा सा और लंबा होगा। और अब घाट सेक्शन जो है स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली टनल ब्रिजेस बहुत कुछ देखने को मिलेगा यार। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। देखिए दोस्तों मैं आपको मेन लाइन पे आगे लोकोमोटिव के अंदर जाके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं बीच में दो छोटी छोटी पटरियां हैं, उसके बगल में और दो पटरियां हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ट्रेन है ना बाहर वाली पटरी पर चल रही है और मीटर की जो है बीच वाली पटरी पर चलती है, और सेम 25 KVA की पावर सप्लाई से वो भी करंट लेती है। और वो यहाँ से कुछ इस प्रकार मर्ज होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मर्ज होती है वो ट्रेन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो ट्रैक्स है मैं आपको आगे अगर दिखा पाया तो ज़रूर से दिखा दूंगा, ठीक है। एंड हियर वी गो गाइस, देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ से मीटर गेज के ट्रैक से ब्रॉड गेज ट्रैक यहाँ पे कटे हैं। यहाँ पे हालांकि ब्रॉड गेज ट्रेन को आना सख्त बना है। तो दोस्तों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हमारी ट्रैक्स आगे तक क्लियर है। ओके दोस्तों देखिए ये ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो चुकी, तो अब हम रफ्तार बढ़ा सकते हैं, 60-70 की स्पीड तक तो जा ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग स्लीपर क्लास कोच के अंदर से ट्रैवल करेंगे और मज़ा लेंगे भाई सफ़र का। तो पहले जो कर्व्स थे काफ़ी ज़्यादा शार्प थे, अभी एकदम बढ़िया कर दिए, तो आपकी ट्रेन जो है वो करीब करीब 80-90 की स्पीड पे जा सकती है आराम से यहाँ पे। और यार एसी कोचेस बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ से, और सुपर एलिवेटेड कर्व्स है, बैंक्ड कर्व्स है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये देखिए दोस्तों ये पुराने मीटर गेज के ट्रैक है, जब इसे प्योर मीटर गेज हुआ करता था तो ट्रैक ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाते थे, तो अभी वो सारी चीज़ें निकाल दी, सब कुछ एलिमिनेट कर दिया ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहे।
दोस्तों लाइक शेयर जरूर से करिएगा। यू आर वॉचिंग IDMG और मैं हूँ ब्रिजेन चौहान और आप नॉस्टैल्जिक सीरीज के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं इस समय। साउंड प्रोवाइडेड बाय ARLSIM.com, स्क्रीन प्रोवाइडेड बाय रीपेंट प्रोवाइडेड बाय ARLSIM.com और रूट है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन IndianTrainSIM.com। ट्रैक खरीदने पड़ेंगे दोस्तों, सो सॉरी मैं उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ करूँगा मैं। इस ऑर्डर 100 रुपये मिल जाएंगे आपको। देखिए दोस्तों 90 की स्पीड पर ट्रेन आराम से कर्व कर पा रही है। द रीज़न इज़ दैट कि ये बैंक कर्व है तो इसके ना बेनिफिट्स होते हैं। ये देखिए आप ट्रेन जो है काफ़ी अच्छी रफ्तार पर कर्व कर पा रही है और अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं आप लोग यार कितनी बढ़िया तरीके से ट्रेन जो है कर्व करके आगे तक आई है। एक और बढ़िया से कर्व आने वाला है जहाँ से आप लोग पूरी ट्रेन को देख पाएंगे यार, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है भाई। ठीक है, ये फ्री रूट है यार भाई, ये पुराने ट्रक से सीधे सीधे जाते थे, नए वाले ट्रक ऐसे गोल घूम के जाते हैं। और यहाँ से एक और बार आप कर्व करेंगे, जबरदस्त कर्विंग है, जबरदस्त कर्विंग है। अब दोस्तों यहाँ के बाद जो है ना धीरे धीरे करके घाट सेक्शन काफ़ी तगड़ा वाला जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मज़ा आएगा। अंत तक बने रहिए, हम लगभग लगभग करीब करीब 5 मिनट की एंड में पहुँच जाएंगे अपने गंतव्य पे। आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्री रूट पे DMG वाले, जो कि अवेलेबल है IndianTrainSIM.com पे। हमारी ट्रेन को चला रहा है WAG 7 लोकोमोटिव फास्ट लाइन गेम की ओर से, कोची से फास्ट लाइन गेम की ओर से। रूट मिलेगा आपको IndianTrainSIM.com पे। दिवाली ऑफर को जरूर से चेकआउट करेगा आप अपने फेवरेट कोचेज, फेवरेट वंदे भारत और जितने भी रोलिंग स्टॉक है वहाँ से आप ले सकते हैं, इसी के साथ रूट भी ले सकते हैं वहाँ से। IndianTrainSIM.com 27 तारीख की ऑफर है, डोंट फॉरगेट टू चेकआउट, 35% ऑफ है। क्या हो गया भाई इसको? सो गाइस यहाँ पे हमारे मध्य में ओवर हो गया।